अच्छा अभी वो अभी मैंने फैसला नहीं किया कि इसमें अलग वीडियो मैं अब पोस्ट करूँगा या मैं उसी वीडियो में जो मैंने अनबॉक्सिंग की थी WD अल्ट्रा पासपोर्ट माई पासपोर्ट 1 TB हार्ड ड्राइव की, क्या मैं उसी में एक ऐड कर दूंगा? भाई वीडियो छोटी बनी तो ऐड कर देंगे, नहीं हुई तो अलग से वीडियो बना दूंगा, मैं इसको अपलोड कर दूंगा अलग से बना के। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि आई एम नाउ गोइंग टू शो यू हाउ टू फॉर्मेट इट ऑन द एक्सबॉक्स वन, यानी एक्सबॉक्स वन के लिए आपने इस जो हार्ड ड्राइव जो हमने अनबॉक्स की थी, इसको हम उसके लिए हम एक्सबॉक्स 3 कैसे फॉर्मेट करते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने करना है, हार्ड ड्राइव मैंने इस यूएसबी पोर्ट में लगा दी है, एंड अब मैं अगर उसका कैमरा को सेट कर लेता हूँ, यूएसबी हार्ड ड्राइव वहाँ पे सिलेक्ट हो गई है, यानी इंस्टॉल रख दी है मैंने वहाँ पे। अब मैं ज़रा इसको सेट कर लूँ ताकि टीवी की तरफ आना शुरू हो जाए। चलिए टीवी आ रहा है, एंड आई जस्ट गोना चेंज द चैनल, चैनल को चेंज कर देते हैं ताकि HDMI ऑन हो जाए। सो जब आप इसे ऑन करेंगे तो ये आप देख रहे हैं कि उसने रीड कर लिया इसको 1 TB को। सेट अप एक्सटर्नल स्टोरेज, इफ यू वॉन्ट टू यूज दिस डिवाइस टू स्टोर योर गेम्स एप्स यू नीड टू फॉर्मेट इट। तो हमने फॉर्मेट तो करना है, जाहिर सी बात है। तो फॉर्मेट करने के लिए जस्ट गो टू फॉर्मेट स्टोरेज, नजर आ रहा होगा आपको क्लियर, थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूँ। फॉर्मेट स्टोरेज, तो वी गोना फॉर्मेट दैट, और ये आपसे पूछेगा कि इसका नाम क्या रखना है। तो आई जस्ट नेम इट एक्सबॉक्स एक्सबॉक्स वन EXT फॉर एक्सटर्नल। अच्छा अभी आपसे पूछेगा कि इफ यू वांट टू मेक एक्सबॉक्स वन एक्सटर्नल एज द डिफॉल्ट फोल्डर, अगर आप चाहते हैं कि सारी चीजें यहाँ पर इंस्टॉल हो तो आप ये कर सकते हैं। मैं ये नहीं चाहूंगा, मैं कहूंगा जिसके अंदर 500 GB के अंदर वाली है वो सारी इंस्टॉल हो, जो एक्स्ट्रा मैंने शिफ्ट करनी हो मैं यहाँ क्या करूँ। तो इसलिए मैंने जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इंस्टॉल न्यू थिंग्स हियर, इफ यू वांट एक्सबॉक्स प्लेस न्यू इंस्टॉल न्यू गेम एंड एप्स यू यूज नाउ ऑन, यू कैन चेंज एनी टाइम सेटिंग्स वगैरह। ठीक है चले अभी हम ये करते हैं, इंस्टॉल न्यू थिंग्स हियर एंड फॉर्मेटिंग टाइम यू विल बी एबल टू यूज गेम्स एंड एप्स एक्सबॉक्स वन प्लग एंड प्ले एंड इट विल बी यूजेबल ऑन योर एक्सबॉक्स वन कॉन्सोल्स। ठीक है सो जस्ट गो अहेड, आप देख रहे हैं कि 931.4 GB स्पेस आ रही है। तो आई एम गोना गो अहेड विद फॉर्मेटिंग द स्टोरेज, एंड इट्स डन, फॉर्मेट हो गया, तैयार हो गया। अब मैं अगर चेक करना है, मैंने जैसे आई गो टू माई गेम्स एंड एप्स एंड आई थिंक व्हाट इट शुड बी डूइंग इज ऑल स्टोरेज इज 975.1 GB, 27% यूज किया आपने, यानी आपको पूरी 1 TB नहीं मिलेगी, 975 GB मिलेगी, 24.7 अपने किसी ये प्रोग्राम्स के लिए यूज़ करता है। आई डोंट नो क्यों यूज़ कर रहा है, मे बी जो उसके अंदर बिल्ट इन प्रोग्राम्स थे जो WD के अंदर होते हैं इंस्टॉलेशन प्रोग्राम्स, वो क्योंकि मैंने अनइंस्टॉल नहीं किया था ऐसे ही लगा लिया था, इसलिए वो पड़े होंगे इसलिए वो जगह ले रहे हैं। वट एवर फॉर्मेट हो गई, अब आप उसको यहाँ पे अपने जो भी इंस्टॉल करना होगा गेम्स वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं इसके अंदर। जब आप ये मैनेज में जाएंगे, सेटिंग्स, गो इन टू एक्सटर्न ऑफ द फ्लैश, थोड़ा सा फ्लैश बीच में आ रही है मेरे ख्याल में, चलो अभी ऐसे जाए तो बीच में फ्लैश अगर बीच में, चलो वट एवर हमें काम करना है। सिस्टम एंड स्टोरेज, मैंने स्टोरेज तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इसमें अब दो डिवाइसेस आ रही हैं, तो 87.7% यूज जो है वो मेरी वो है जो बिल्ट इन है, यानी इसमें अभी थोड़ा जगह थी बीच में, 44 GB इसमें अभी फ्री हैं,
87% यूज है, 44 GB तक मैंने एक गेम 40 GB की होती है तो वो तो पर ख़त्म हो जाएगी। और जो एक्सबॉक्स वन एक्सटर्नल जो हमने बनाई थी उसमें 931 GB अवेलेबल है। तो दिस इज वन तरीका, सिंपल आपने प्लग इन प्ले है। मेक श्योर ये आपने करना है कि जो आपने टेराबाइट लेनी है वो 3.0 फास्ट हो, लिखा हुआ रिक्वायरमेंट्स फॉर गेम्स एंड एप्स यू नीड अ डिवाइस दैट इज USB 3.0 और फास्टर। अब आखिरी लाइन आप देख लेंगे तो पता चल रहा है ये आखिरी लाइन। सो तकरीबन 5 मिनट की बन गई है। आई थिंक आई एम गोना अपलोड दिस एज एन अलग से कि हाउ टू यूज अ WD पासपोर्ट 1 TB ड्राइव एज एन एक्सटर्नल ड्राइव इन एक्सबॉक्स वन इन उर्दू, ये मैं अलग से कर देता हूँ। तो क्योंकि अगर ये 3-4 मिनट की होती उसमें ऐड कर देते तो आई होप किसी की मदद करेंगे, मदद किसी की मदद किसी के काम आएगी ये। एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।